उम्र की दहलीज पर जब सांस की आहट होती है, ख्वाहिशें थम जाती हैं और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। जब एक माँ अपने जवान बेटे को खो देती है, तब वो अपनी बढ़ती उम्र के चलते अपनी ज़िंदगी को किस तरह जी पाती है, सिर्फ वही बयां कर सकती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, जज्बा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस ने किस कदर कहर ढाया है, ये वही बता सकता है जिस पर बीती हो। आइए मिलते हैं एक ऐसी माँ से जिन्होंने कोरोना वायरस के चलते अपने जवान बेटे को खो दिया, साथ ही एक ऐसी पत्नी जो अजीब सी कश्मकश और उदासी के साथ जिंदगी जीने को मजबूर है। आपकी शादी कब हुई थी? जी, मेरी शादी हुई थी 5 मार्च 2016 में। और आपके जो शादी के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी? हाँ। आपके हस्बैंड जॉब करते थे? हाँ, जॉब। क्या करते थे? जी, वो फर्नीचर के पेंटर थे। और आपके घर में कौन कौन है? जी, मतलब मैं और मेरा बच्चा है और अम्मा है और उनके मतलब बड़े जेठ है ना, उनकी फैमिली है। तो आपके सबकी जॉइंट फैमिली है? हाँ, जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है। आपको कैसे पता लगा कि उनको मतलब कोरोना था? जी, हमें तो पता ही नहीं था। वो अस्पताल लेके गए हैं। अच्छा भला गया था यहाँ से? सही थे, मतलब सुबह ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी उनकी, मतलब बुधवार को तो ठीक थे, वीरवार को ही सुबह ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो 7 बजे सुबह अस्पताल लेके गए हैं, तो वहाँ से 8:30 बजे 8 बजे खबर आ गई कि वो नहीं रहे। हाँ, तो फिर आपको कैसे पता लगा कोरोना था? तो रिपोर्ट आई थी ना अस्पताल से। तो आपको उनकी बॉडी दी थी या नहीं? बॉडी नहीं दी हमको। बॉडी नहीं दी थी? तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उनके आपके हस्बैंड को कोरोना? हाँ, डिक्लेयर किया था। वो दी थी क्या कहते हैं शमशान घाट से जो मिला था और अस्पताल से कोरोना की रिपोर्ट। तो उनके जाने के बाद आपको कहीं और से कुछ मदद मिली? नहीं, कहीं से कोई मदद नहीं। नहीं। आपके बच्चे कितने? मेरा एक ही लड़का है। कितने साल का? जी, 3 साल का है। कब डेथ उनकी कोरोना की? जी, उनकी डेथ हुई थी 5 मई को 2021 2020 5 मई 2020। हाँ। चलो अपने मकान में रहेगी, मेरा लड़का सब कर्जा दे देता, सब कर्जा दुआ के नहीं आ और हम बर्बाद हो गए उसके पीछे, क्या करें। अब वो लड़का कहता तुम्हें खिलाए के कर्जा दे, अब क्या करें, हमारी तो जीवन खराब है, रोटी खाने से ही थोड़ी गुजारा होता है। अब मेरा लड़का चला गया, कोई तो एक सहारा था वो भी चला गया, क्या कर। मैं तो रात दिन रोती रहती, उसके लिए मेरी आंखें भी खराब हो गई, और जवान बहू को देख देख के और आत्मा दुखी होती है। इसको बेचारे को बाप का प्यार भी नहीं मिला, क्या करे, सारे दिन आत्मा रोती है मेरी, क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं पा रही। माता जी, क्या आपको कभी ऐसा सोचा था आपने कि आप? कभी नहीं सोचा था इतना हाथी का हाथी ये कोरोना आपको बेटे को इस कदर से छीन लेगा। हाँ, सोचा भी नहीं था कभी कि मेरे साथ में ऐसा होगा बुढ़ापे में, ये मेरी बहू ऐसी घूमेगी, बच्चा लावारिस हो जाएगा, बाप का कुछ नहीं लाड़ प्यार मिलेगा इसे। अब ताऊ करता तो है लेकिन बाप बाप होता है, माँ होती है। मुझे तो कुछ बता भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, मैंने तो इतने शौक से मकान दुकान बना के नहीं दी, इतना कर्जा कर लिया खुशी में, मैंने कि मेरा बेटा सब देगा कमा के, बस चला ही गया।
क्या देगा। रात दिन हम भी रोती रहती हूँ, पर यह है कि ये सांसें जो चल रही हैं ये तो पूरी करनी पड़ेंगी। जिसके घर में विधवा बहू हो जवान, उसकी आत्मा पे क्या बीतती है तो हमें ही पता है। कभी बीमार नहीं पड़ा था वो कभी, और 3-4 दिन के ही अंदर मैं बीमार थी, मैं नहीं मरी, मेरा इलाज करवा गया। मुझसे कहता मत तू मत मरियो, हमें लावारिस कर देगी, बाप तो है ही नहीं हमारे, मुझे नहीं मौत आई, मेरा बेटा चला गया। ये देखकर शायद आप लोग भी सोचने को मजबूर हो गए ना कि कोरोना वायरस ने किस तरह लोगों की जिंदगी को गमगीन बना दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, WHO ने कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित किया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म वायरस है और बहुत प्रभावशाली वायरस है, लेकिन आप और हम सभी मिलकर इसको कमजोर बना सकते हैं। केवल मास्क, 2 गज दूरी, सैनिटाइज का प्रयोग करके और वैक्सीन लगवा कर। दोस्तों, जो लोग इस कोरोना बीमारी के चलते अपनों को खो चुके हैं, उनकी मदद में अपना हाथ आगे बढ़ाएं, अपनी भागीदारी निभाएं, मात्र एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स के द्वारा। जय हिंद।